सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, अभी हमने बिल्ली और घड़ी की आवाज सुनी। इन आवाजों में अलग अलग तरह की ध्वनियां थी। इसी तरह जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे मुख से भी अलग अलग तरीके की ध्वनियां निकलती हैं, और व्याकरण में ध्वनि का अर्थ होता है वर्ण। जब शब्दों की ध्वनि को अलग अलग करके लिखा जाता है तो यह वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आम, आ जमा म, काजल, का जम ज जम ल। वर्ण के भेद। हिंदी व्याकरण में वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, और इन्हीं स्वरों से शब्द बनते हैं। जैसे कि अ से अनार, आ से आलू, री से ऋषि, ए से ऐनक इत्यादि। व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह। स्वर और व्यंजन के योग से ही हिंदी वर्णमाला बनती है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज आपको स्वर और व्यंजन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम व्यंजनों के दो प्रकार पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन और द्वित्वी व्यंजन। इस वीडियो के बाद जो वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उस वर्कशीट को सुंदर लेखनी में अपनी हिंदी कॉपी में करेंगे। मैं आपको अगली कक्षा में मिलूँगी। सभी अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।